उसका साल लिया हूँ जी एल सी getting the first time for no actually I have to इस कमरे में आते हैं जी सर यहाँ पे यहाँ से पहले एंट्री करवाते हैं मगर टोकन वगैरह नहीं है अगर मैं आ रहा हूँ मैंने आके करना है तो मुझे एटलीस्ट टोकन तो चाहिए आपका सिस्टम इसका मतलब खराब हुआ वैसे खराब है नहीं चल नहीं जा रहा टोकन नहीं चल रहा इसका मतलब नहीं कब से खराब है शुरू में हमने चलाया लेकिन उसके बाद ये चाहे नौ भी हो चाहे जब रश आ जाता है अभी भी लोगों को नहीं पता ना किस टाइम किसकी बारी आनी है ये तो किसी को नहीं पता अच्छा ये बार मैंने अभी बार एजेंट उसमें बैठे उनका क्या काम है मैंने जी 3,000 रुपया दें अभी आपकी बारी 10 मिनट में आएगी एजेंट का इशू है जो हम एजेंट नहीं दे सकते ये गलत कह रहे हैं ठीक है वो भी यही कह रहे हैं एजेंट 3,000 रुपए दे तो बारी फौरन 2,500 दे दें तो सही कह रहे हैं वो बच्ची भी कह रही है सही कह रहे हैं एजेंट तो सबसे पूछे थे वो हमें उनको भी घेर लेते हैं वरना आप सारा दिन जगीर होंगे ये मुझे बताएं कि अगर एजेंट को मैं पैसे दूं तो 3,000 तो पहले बारी आ जाएगी है फौरी आ जाएगी सारे बैठे बेटा क्यों पास आके किसको दिया जो डॉक्टर साहब गए हैं मुझे अभी ये क्या बात है ये तो सारा कुछ पूरे हम चल रहे हैं यहाँ पे 6,720 और उसमें 14 कोई प्रोटोकॉल क्या बोले कुछ तो हो रहा है ना यहाँ पे जो आप उतना तो नहीं कह सकते ना नहीं हो रहा ये 10 बंदे तो नहीं झूठ बोलेंगे सर बहुत हो रहा है सर वो आप मेरी एक बात का जवाब दें प्राइवेट बंदा भेज के ना कोई भी आप मेरी बात का जवाब दें एक बंदा गलत पे नहीं कर सकता दो बंदे गलत पे नहीं कर सकते तीन बंदे 10 बंदे तो गलत वो कह रहे हैं मैंने 14,000 रुपए दिए क्यों नहीं है फिर ये आपके आपके जरिए निगरानी हो रहा है ना फिर नहीं हमने सब मतलब कैसे एजेंट अंदर आके काम कर कोई अंदर एजेंट की किसी की एंट्री नहीं है बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं वो वहाँ से एजेंट आ रहे हैं वो फॉर्म जमा करा रहे हैं उनके हम लेन में लगे हुए हैं मैं उनसे कहा भी मैंने कहा यार ये बाहर से एजेंटों के फॉर्म जमा किए जा रहे हैं ये जो लेन में लगे हैं सुबह के 8 बजे क्या है 1 घंटा इंतजार किया 9 बजे बैंक खुला उसके बावजूद 9:05 दूसरे एजेंट थी उनको जो पहले एजेंटों के किए और फिर हमें हमारी बारी पास इसमें कोई शक नहीं सर ये भी मेरे साथ दे रहे उनको उनको कोई पूछने वाले अपने आए हुए हैं वो लाइन में प्रोग्रेस हमें कहते हैं कि हम आपको लाइन में नहीं लगाते आप यहीं पे खड़े रहे हम आपका काम के लिए मिनटों में करवा देते हैं बैंक में गए बैंक में भी सुबह वहाँ पे बंदा खड़ा मेरे पास छोटी सी वीडियो बननी पड़ी है वो बंदा मुझे कहता है कि ना वेरी गुड सर यहाँ पे इतना जलील करते हैं ये बंदा मौजूद है 20 वक्त भी वहाँ मौजूद होगा ये बिल के भरने आके गया है ये वो अंदर बैंक वाला पता जानता भी है और इस बंदे ने सारे चलान निकाल के 20-30,000 रुपये उसको पकड़ा है कि ये मेरे चलान जो है जल्दी लिया बंदे के बाद इस तरह की सोच बाहर की सारी चीज़ डायरेक्टर साहब बताएं वीडियो मौजूद है उनके पास ये पैसे ले रहे हैं सारा कुछ हो रहा है और सब कुछ आप कितनी देर से डायरेक्टर हैं आप मुझे इस चीज को जस्टिफाई कर दें कि ये जो एजेंट है ये सारे 20-25 लोग जो मिले हैं वो सबके सब कह रहे हैं कि पैसे लेके काम हो रहा है यहाँ पे मुझे इसको जस्टिफाई कर दें कैसे हो सकता है जब तक आप लोग खुद ना साथ शामिल नहीं आप नहीं है तो आप इंचार्ज तो आप है ना इंटरव्यू सर इस गेट से भी ये गार्ड भी शामिल होता है ये गार्ड यहाँ से अंदर भिजवाता है वो बाहर से एजेंट उनके साथ मिला होता है एक बंदे का 1500 लेते हैं फैमिली साथ होकर मजबूर कर देते हैं कि आपके साथ लेडीज 3,500 रुपए देंगे कंपनी वालों को बुलाएगा हम सारे गार्ड खड़े करेंगे